ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले लर्नर लाइसेंस बनवाना होता है। लर्नर लाइसेंस बनवाने के एक महीने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लर्नर लाइसेंस पर आप ड्राइविंग कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 6 महीनों की होती है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। आप घर बैठे ऑनलाइन बिना RTO जाए अपना लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब तक लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता था, उसके बाद RTO जाना होता था, वहाँ एक टेस्ट देना होता था, उसके बाद ही लर्नर लाइसेंस बनता था। लेकिन अब आप ऑनलाइन बिना RTO जाए घर से ही अपना लर्नर लाइसेंस बना सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बिना RTO जाए घर से ही ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस बनवाने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको parivahan.gov.in पर आना होगा। इसमें आप ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस पर क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। इसमें आप अपना स्टेट चूज करेंगे। आपके सामने अगर ये पॉपअप आता है तो इसको आप स्किप करेंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने स्टेप्स आ जाएंगे, आप कंटिन्यू करेंगे। इसमें आप अपनी कैटेगरी चूज करेंगे और सबमिट करेंगे। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, वाया आधार ऑथेंटिकेशन और विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन तो आपको RTO जाना पड़ेगा, वहां आपको टेस्ट देना पड़ेगा, तब आपका लर्नर लाइसेंस बनेगा। और अगर आप पहला ऑप्शन चूज करते हैं वाया आधार ऑथेंटिकेशन तो आपको RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑनलाइन अपना लर्नर लाइसेंस बना सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैं पहला ऑप्शन चूज कर लेता हूं, सबमिट करेंगे। आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ओके करेंगे। इसमें आपको चूज कर लेना है आधार नंबर। इसमें आप अपना आधार कार्ड नंबर डालकर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहां डालेंगे। इसके बाद कंसेंट देंगे, इसके बाद ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। आपकी डिटेल्स ये आपके आधार कार्ड से ले लेगा, आपको यहां पर कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, आप प्रोसीड करेंगे। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ओके करेंगे। इसमें आप अपनी प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे। नीचे यहां पर आप अपनी क्वालिफिकेशन चूज करेंगे। इसमें आप अपना ब्लड ग्रुप चूज करेंगे। इसमें आप एक मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई दूसरा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। नीचे आपका एड्रेस आ जाएगा, इसमें आप अपनी तहसील चूज करेंगे। अपने गांव या कस्बे का नेम चूज करेंगे, अगर आप गांव से हैं तो विलेज चूज करेंगे, अगर आप कस्बे या शहर से हैं तो आप टाउन चूज करेंगे। इस एड्रेस पर आप कितने टाइम से रह रहे हैं वो आप यहाँ डालेंगे। इसमें आप इयर्स डालेंगे और यहाँ पर मंथ्स डालेंगे। इसमें आपको सिलेक्ट करना है आप कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपको सिर्फ 2-व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आप यहां पर चूज करेंगे मोटरसाइकिल विद गियर। इसके बाद इस आइकन पर क्लिक करके आप इसको इस बॉक्स में ऐड कर लेंगे। अगर आपको 4-व्हीलर का भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आप लाइट मोटर व्हीकल यहां पर सिलेक्ट करेंगे और इसको भी आप इस आइकन पर क्लिक करके इस बॉक्स में ऐड कर लेंगे। अगर आपको सिर्फ 4-व्हीलर का बनवाना है तो आप 2-व्हीलर इसमें ऐड नहीं करेंगे, आपको सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV ऐड करना है। अब जैसे कि हमें सिर्फ 2-व्हीलर का अप्लाई करना है तो यहां से मैं इसको हटा दूंगा। इसमें मैं ऐड करूंगा मोटरसाइकिल विद गियर और इसको मैं इस बॉक्स में ऐड कर लूंगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप 2-व्हीलर का बनवाना चाहते हैं, 4-व्हीलर का बनवाना चाहते हैं, या सिर्फ 2-व्हीलर या सिर्फ 4-व्हीलर का बनवाना चाहते हैं। अगर पहले कभी आपका लाइसेंस कैंसिल किया गया है, सस्पेंड किया गया है, तो आप इसको टिक करेंगे, वरना आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपने ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग ली है तो आप इसको टिक करेंगे, वरना आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा, तो आप फॉर्म 1 पर क्लिक करेंगे। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको अपनी फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग इनको यस या नो करना है। सभी क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग यस या नो करने के बाद आप डिक्लेरेशन देंगे और सबमिट करेंगे। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ओके करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट हो चुका है, बैक करेंगे। अगर आप एक्सीडेंटल डेथ की सिचुएशन में अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं तो इसको आप यस करेंगे, वरना नो रखेंगे। इसके बाद सबमिट करेंगे।
करेंगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अगर आप इसको कंफर्म करते हैं तो इसमें आप बाद में कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप एक बार सही तरीके से चेक कर लीजिए। कंफर्म करने के लिए ओके करेंगे, डिटेल्स को सबमिट करने के लिए ओके करेंगे। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, ओके। इसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, ये आपको नोट करके रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेशन हमने फिल कर दी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, सबमिट करेंगे, इसको आप ओके करेंगे। इसमें आपको दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एक है एज प्रूफ और एक है एड्रेस प्रूफ। तो पहले हम एज प्रूफ यहाँ सिलेक्ट करेंगे। प्रूफ में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। चलिए हम आधार कार्ड चूज कर लेते हैं। चूज फाइल पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट चूज करेंगे। आप जेपीईजी, जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम फाइल साइज आप 500 KB तक रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देंगे। आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, कंफर्म करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों अपलोड हो चुके हैं, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फोटो इसमें आधार कार्ड से ले लिया गया है, तो वो आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो आप एक व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर करेंगे और उसका एक फोटो क्लिक करके यहाँ अपलोड करेंगे। सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद अपलोड एंड व्यू फाइल्स पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, जो कि आप अपने फोटो के साइड में देख सकते हैं। इसके बाद सेव फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको फीस पे करनी होगी, तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। लर्नर लाइसेंस के लिए 150 रुपीज और LL टेस्ट के लिए 50 रुपीज, टोटल आपको 200 रुपीज पे करने होंगे टू व्हीलर लाइसेंस के लिए। अगर आप फोर व्हीलर का भी साथ में ही अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 150 रुपीज और ऐड हो जाएंगे। इसमें आप पेमेंट गेटवे चूज करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप ये कैप्चा फिल करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको टाइप कर देना है। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट। आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट गेटवे पर, जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको पेमेंट के सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। किसी दूसरे बैंक की इंटरनेट बैंकिंग के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। किसी और बैंक के डेबिट कार्ड के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे इंटरनेट बैंकिंग से पे करना है HDFC बैंक की, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। इसमें आपको अपना बैंक चूज कर लेना है। इसके बाद मेक पेमेंट, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर पेमेंट कंप्लीट करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। इसके बाद यहां से आप पेमेंट रिसीप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहां क्लिक करेंगे। इसमें आप अपनी एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे और यहां ये कैप्चा फिल करेंगे और प्रिंट रिसीप्ट पर क्लिक करेंगे। ये आपकी पेमेंट रिसीप्ट है, इसको आप अपने रिकॉर्ड के लिए सेव करके रख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे और सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, अब आपको RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हैं, नो नीड टू विजिट RTO ऑफिस। इसके बाद आपको ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस टेस्ट देना होगा, जिस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में लर्नर लाइसेंस टेस्ट ऑनलाइन कैसे कंप्लीट करना है, इसका पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। लर्नर लाइसेंस कंप्लीट करने के बाद आप ऑनलाइन अपना लर्नर लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस तरह से बिना RTO जाए घर बैठे आप अपना लर्नर लाइसेंस बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके स्टेट में बिना RTO जाए लर्नर लाइसेंस बनवाने की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ इस पेज पर आएंगे, इसमें आप अपना स्टेट चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं मध्य प्रदेश चूज कर लेता हूँ। तो अगर आपके स्टेट में बिना RTO जाए लर्नर लाइसेंस बनवाने की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप आ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ होगा कॉन्टेक्टलेस EKYC सर्विसेज, और इसमें आपको इश्यू ऑफ लर्नर्स लाइसेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर मैं चूज करता हूँ उत्तर प्रदेश, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कॉन्टेक्टलेस EKYC सर्विसेज और इसमें इश्यू ऑफ लर्नर्स लाइसेंस का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप UP में भी बिना RTO जाए अपना लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ दिल्ली, तो इसमें भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह से यहाँ पर मैं राजस्थान चूज करता हूँ, तो इसमें भी आप देख सकते हैं EKYC सर्विसेज, इसमें इश्यू ऑफ लर्नर्स लाइसेंस का ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस तरह से आपको अपना स्टेट चूज करना है। अगर आपको स्टेट चूज करने के बाद इस तरह का पॉपअप मिलता है, जिसमें आपको कॉन्टेक्टलेस EKYC सर्विसेज में इश्यू ऑफ लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन मिल जाता है,
तो आपका लर्नर लाइसेंस बिना RTO जाए बन जाएगा। लेकिन अगर किसी स्टेट में आपको ये पॉपअप नहीं मिलता है तो उस स्टेट में आपको अपना लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए RTO ही जाना पड़ेगा। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।